सो है गाइस, दिस इज उज्ज्वल। कैसे हैं आप सारे के सारे? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैंने ट्वेल्थ की स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी, तो बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट किए कि भैया टेंथ की भी स्ट्रेटजी वीडियो बना दो। तो इसलिए मैंने अब सोचा है कि टेंथ का और ट्वेल्थ का दोनों अब इस चैनल पे अपलोड वीडियोज़ होते रहेंगे। दोस्तों मैं आपसे सबसे पहले चीज़ें कुछ बताना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ कि आपका जो टर्म वन का रिजल्ट है दोस्तों वो नहीं आने वाला है, उसके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट इधर उधर मत करो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपका टर्म 200% होगा, ऑफलाइन होगा और 26 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट होगा। CBSE बोर्ड आपको ऑलरेडी बता चुका है, ठीक है, तो अब पढ़ना शुरू कर दो। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना रिलैक्स फील करोगे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। आप मेरे साथ ये 10-15 मिनट की जो भी वीडियो होगी इसमें आप देख लेना। पहले तो मैं सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगा, फिर उसके बाद से एक एक जैसे मैथ की, इंग्लिश की, मैथ, साइंस, SST, ये सब की अलग अलग भी बन जाएगी, ठीक है। तो पहले मैं सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि आपको पूरे फरवरी में, ठीक है, ये पूरा फरवरी जो मंथ चल रहा है मत पढ़ो, ठीक है। यस, इट साउंड फनी बट कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप दोस्तों थोड़ा सा गले में, थ्रॉट में प्रॉब्लम है तो वॉइस अच्छे से मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, पर फिर भी मैं आप लोगों के लिए आपका वेट मतलब पूरा आपका कोई नुकसान ना हो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों आप पूरा फरवरी मत पढ़ो, यस ऐसा मैं बोल रहा हूँ, मत पढ़ो फरवरी, ठीक है, क्योंकि टेंथ है यार, इतना टफ पेपर नहीं आने वाला है। 13, 14, 15 क्वेश्चन आएंगे एक चैप्टर से, किसी में से 13 आएंगे, किसी में 14 आएंगे, किसी में 12-15 ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पूरी टेंथ की बुक आप क्यों नहीं उठा के पूछ दी जाएगी? बहुत आसान इस बार पेपर भी बनेगा, हर साल से ज़्यादा इस साल आसान पेपर बनने वाला है, ये देख लेना आप लोग, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस पूरा मैंने जो भी किया है टेंथ के पेपर को लेके वो है, ठीक है, प्लस पर्सनल एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। दोस्तों देखो सबसे पहली चीज़ कि आप पूरा फरवरी मत पढ़ना, आप अपनी पढ़ाई 1 मार्च से स्टार्ट करना, तब भी आप 1 मार्च से लेके और 25 अप्रैल तक की जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ठीक है, आप 1 मार्च से लेके 25 अप्रैल तक पूरा अपना टेंथ का, यस पूरा अपना टेंथ का सारा सिलेबस आसानी से एकदम वेल इक्विप्ड हो जाओगे, ठीक। मतलब आप पूरा फरवरी, आप आज कितना तारीख है, आज 17 फेब है, ठीक है। तो अगर आप अपना 1 मार्च से पढ़ाई स्टार्ट करते हो तब भी आप 25 अप्रैल तक पूरा टेंथ का मैथ, SST, साइंस, इंग्लिश, हिंदी सारी सब्जेक्ट को अच्छे से ख़त्म कर दोगे। कैसे, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, कहाँ से करना है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो वीडियो होगी ये प्लीज़ इस मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, देखो यार मेरा यूट्यूब से कोई मोटिव नहीं है, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, बस यार पता है कभी कभी डिमोटिवेशन सा फील होता है कि यार इतना बढ़िया कंटेंट मतलब इतना लाजवाब स्ट्रेटजी सारी चीज़ें दो और बच्चों तक नहीं पहुंचता है तो मतलब बेकार लगता है। बस लाइक वाइक मत करना यार, बस वीडियो को ना बच्चों तक पहुंचा देना। देखना जो इस वीडियो को फॉलो कर लिया, जो ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लिया, ये यार बड़े बड़े जो ऐसे जितने भी टॉपर्स होते हैं ना यार, सारी स्ट्रेटजी ऐसे ही मतलब उन लोग की स्ट्रेटजी होती है। मैंने बहुत बच्चों से बात किया है, जितने भी यार अच्छे अच्छे जितने भी बड़े पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनसे ये स्ट्रेटजी आप दिखा के देख लेना एक बार, वो खुद बोलेंगे कि यार गजब की बवाल की स्ट्रेटजी है। तो बस वीडियो ज़्यादा बच्चों तक नहीं पहुँच पाता, बस इसी की वजह से रुक जाती है। पर यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वो स्ट्रेटजी बता रहा हूं। सबसे पहले कि 1 मार्च से आपको पढ़ना है, उसके पहले आप मत पढ़ना, या पढ़े भी हो या नहीं पढ़े हो जो भी है वो भूल जाओ, अभी थोड़ा फोकस कर लो 1 मार्च से, ठीक है। 1 मार्च 1 मार्च 2 25 अप्रैल, क्योंकि 26 से आपका पेपर होने वाला है तो हम 25 अप्रैल तक मतलब आपका प्रिपरेशन ख़त्म कर देंगे डेट, ये मतलब 1 मार्च से लेके दोस्तों 25 अप्रैल। फरवरी में आराम से घूमो घूमो फिरो, खाओ पियो मस्त एकदम, सो, ठंड ठंड तो अब ख़त्म ही हो रही है, आराम से जब तक सोना है सो, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये आराम से हो जाएगा। देखो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो यार कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो कोई भी काम हो, अगर उसकी आप अच्छे ढंग से प्लानिंग कर लेते हो ना तो वो 50% काम वहीं पर हो जाता है। यस मतलब विज़न अगर आपका क्लियर हो गया कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट है इसमें बस यही पढ़ना है इतने समय में पढ़ना है, तो आप उस चीज़ को आसानी से कर पाओगे। और आपको पता ही नहीं है कि हाँ कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, बस ऐसे ही बैलों की तरह चले जा रहे हो, तो वो उसमें क्लैरिटी नहीं दिखती है और आप उसमें से आप जो क्वेश्चन आपको आता रहेगा वो भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, विजन एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपका एकदम विजन अभी देखो कैसे क्लियर कर रहा हूं थोड़ी देर में। देखिए सबसे पहले तो प्लान ही एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बताता है यार कि कौन से चीज़ को कैसे अचीव करना है, ठीक है। बड़े बड़े काम प्लान से निपट जाते हैं तो आपका पढ़ाई नहीं निपट सकता है क्या? तो आइए मैं आपको वो प्लानिंग बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो सब्जेक्ट है दोस्तों, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं दोस्तों, देखिए सबसे पहले आपका है इंग्लिश,
इंग्लिश ओके, देन आपका हिंदी। यार टेंशन ना लो यार, टेंथ है बस, इसका DOB में काम आता है। टेंथ के जो मार्कशीट होते हैं ना वो बस डेट ऑफ बर्थ में काम आ रहे हैं। तो टेंथ को अगर आप टेंथ में हो ना, ये मतलब इसमें टेंथ के बच्चों के यार यही बोलूँगा कि यार देखो इतना प्रेशर मत लो, टेंथ का रिजल्ट कुछ नहीं होता है, बस एक आपको समझो कि ये अपॉर्चुनिटी है, मिला है, अच्छे से अच्छा मार्क्स ला लो। सोशल साइंस एंड देन मैथ्स। अब सबसे पहले एक सेकेंड, 1 2 आपके 5 सब्जेक्ट दोस्तों। देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ क्लियर बता रहा हूँ। देख अभी मैं क्या बोला हूँ कि आपको 1 फरवरी से पढ़ना है, 1 फरवरी के पहले आप पढ़ाई मत स्टार्ट करना, या आप जो पढ़ लिए कोई बात नहीं, तब तक उसी को रिवाइज करते रहना। ये नई नई स्ट्रेटजी आप 1 फरवरी से स्टार्ट करना। देखिए क्या करना है, सपोज करो आपके इंग्लिश में, इंग्लिश यार पूरा बुक नहीं उठा के आ जा रहा है, इसमें बस आपके 11 चैप्टर हैं इंग्लिश में, टोटल 11 चैप्टर आ रहे हैं आपके, ठीक है, टर्म 2 में। उसमें क्या होगा कि 10 नंबर का आपका रीडिंग सेक्शन जो कि 2 पैसेज होगा 10 नंबर के, ठीक। फिर उसके बाद से राइटिंग सेक्शन जो एप्लीकेशन लेटर, ठीक है, ये जो होता है ये 10 नंबर के, 20 नंबर हो गया, बाकी 11 चैप्टर से, ठीक है, आपके इसमें 11 चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर्स आपके 11 चैप्टर से 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 नंबर के मतलब 20 मार्क्स आपके बस ये 11 चैप्टर से आएगा, बाकी 10 नंबर आपका रीडिंग सेक्शन से, 10 नंबर राइटिंग सेक्शन से, ठीक। हिंदी में दोस्तों आपका मात्र 7 चैप्टर है, ठीक, 7 चैप्टर से आपके 40 नंबर के पूछे जाएंगे। साइंस में आपका 7 चैप्टर है, सेम मार्क्स। सोशल साइंस में आपका 7 चैप्टर है, और मैथ में आपका 5 यूनिट है जिसमें 7 चैप्टर्स हैं। साइंस में 7 7, हाँ सही है, साइंस में 7 ही है ना, हाँ। तो दोस्तों देखिए, तो यार देखो ये भले 7 चैप्टर हैं, लेकिन ये 7 चैप्टर आपको पूरा ऐसे ही उठा के, जैसे मान लो साइंस है तो साइंस के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पूरा चैप्टर ही नहीं आ जाएगा कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पूरा एकदम नोट्स बना दो, नहीं भाई, 2 ही क्वेश्चन आएंगे कार्बन एंड कंपाउंड से, तो इतना टफ नहीं है, आसान है, कर लोगे, कैसे करना अभी मैं वो भी बता रहा हूँ। ऐसे ही दोस्तों अगर हम देखें सोशल साइंस, ठीक है, तो सोशल साइंस में 7 चैप्टर है, 1 चैप्टर हिस्ट्री से है, 2 2 चैप्टर बाकी 3 यूनिट्स है, मैथ 5 यूनिट है, 7 चैप्टर है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि पूरा आप इतना बर्डन मत लो टर्म 2 को लेके, ठीक है, आपको आपको कोई चंद्रयान 2 बनाने की बात नहीं की जाएगी कि भाई आओ चंद्रयान 2 बनाओ या मिसाइल कोई छोड़ो, नहीं भाई, 2 घंटा बैठाया जाएगा, 12-13 क्वेश्चन होंगे, बस खत्म बवाल। झूठ मूठ में आप इतना टेंशन लेके बैठे हो कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा भाई, आपका आराम से ये ऐसे ये सब्जेक्ट्स हैं, इतने क्वेश्चन हैं, इतने चैप्टर्स हैं और इतने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसको 1 मार्च से क्या, अभी मान के चलो आपने, मैं ये मान के चलो अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, मस्ती किए हो, घूमे हो फिरे हो, अब क्या आप टर्म 2 में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, वो भी एकदम 100 में 100? तो यस ला सकते हो। कैसे, देखिए मान के चलिए ये आपके सारे सब्जेक्ट हैं और ये आपके सारे चैप्टर्स हैं, तो अब इसमें करना क्या है दोस्तों, वो प्लानिंग क्या होनी चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। पापी गुड़िया कब काम आएगी, ठीक है, देखिए करना क्या है कि इंग्लिश है तो अगर हम 1 मार्च में, आप 1 मार्च क्यों बोला हूँ, देखिए 1 मार्च ये है और 25 अप्रैल ये है, तो यहाँ पर टोटल इसमें कितने डेज टोटल हो रहे हैं दोस्तों, 55 दिन हो रहा है पूरा, 55 डेज, ठीक। अब इफ 55 डेज दोस्तों आपके पास पूरा बच रहा है, तो अगर ओवरऑल एवरेज देखा जाए तो 7 7 7 मतलब तीनों सब्जेक्ट में 7 7 चैप्टर आ रहे हैं, हिंदी में 7, इसमें बस 11 चैप्टर आ रहा है, तो अभी मैं बता रहा हूँ। तो अगर 7 चैप्टर है, 1 चैप्टर को अगर आप 7 दिन भी पढ़ते हो ना यार, ठीक है, 7 7 जा 49, 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दो इसका, हाँ 7 7 जा 49 दोस्तों, 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तब भी आराम से सारे चैप्टर आपके निकल जाएंगे, एक चैप्टर 7 दिन में अगर पढ़ोगे तब भी कोई टेंशन नहीं है। तो मतलब 1 चैप्टर को 7 दिन देना है, तो जैसे यहाँ पे लिख लो 7 डेज, 7 डेज, ठीक। अब इस 7 डेज, अब 1 मार्च से दोस्तों आपको इंग्लिश, आपको हिंदी, आपको साइंस, आपको सोशल साइंस, आपको मैथ्स, हाँ फर्स्ट चैप्टर, मतलब एक सपोज करो एग्जांपल, 1 मार्च से दोस्तों, 1 मार्च से 7 मार्च तक आप सारे सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए, मतलब
एक चैप्टर आपने इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश का वो दोस्तों बस दो चैप्टर, एक एक वीक में दो चैप्टर, बहुत टफ नहीं है। 7 दिन में दो चैप्टर करोगे तो सात तो आराम से आप अगले। तो देखिए सबसे पहले कि क्या लाइट चली गई तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देखिए 1 मार्च से 7 मार्च, सपोज आप अपनी पढ़ाई 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक पढ़ते हो, मतलब स्टार्ट करते हो, तो एक हफ्ते के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट से एक एक चैप्टर कंप्लीट हो गए, ठीक। देखिए लेकिन बस करना क्या है, इंग्लिश का बस दो चैप्टर आप पढ़ना, एक वीक में दो चैप्टर खत्म करना। ऐसे 7 वीक में 14 चैप्टर हो जाएंगे, लेकिन आपको 11 पढ़ना है, तो एक हफ्ते में 2 चैप्टर इंग्लिश से पढ़ना। ऐसे करोगे फिर नेक्स्ट ईयर में, सॉरी सेकेंड वीक में सेकेंड चैप्टर, फिर सेकेंड, तो ऐसे करते करते फिर 8 एम टू 15 मार्च तक आपका सेकेंड चैप्टर सारे सब्जेक्ट से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सारे सब्जेक्ट से सेकेंड चैप्टर। ऐसे ही आप 16 मार्च से लेके आप 24 मार्च तक आपका तीसरा चैप्टर सारे सब्जेक्ट से खत्म हो जाएगा। तो ऐसे करते करते देखो दोस्तों, अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो एक आपको भी टाइम फ्रेम मिलेगा, प्यार से धीरे धीरे पढ़ोगे, सारी चीज़ें पढ़ जाओगे। और ऐसे आज इंग्लिश पूरा पढ़े, कल हिंदी पूरा पढ़े, परसों मैथ पढ़े, ऐसे मतलब ना इसका उसमें उसका इसमें पढ़ोगे तो कुछ क्लियर नहीं होगा, और ऐसे ही बस दिमाग में रहेगा कि हाँ पढ़े हो, फिर जो क्वेश्चन आता भी रहेगा वो क्वेश्चन भी दिमाग से भूल हो जाएगा। तो अरे यार यहाँ लाइट की प्रॉब्लम दोस्तों, वीडियोज चाहे लाइट आए चाहे ना आए, ठीक है, मैं आप लोग के लिए अब टेंथ वालों अब बिल्कुल घबराओ मत, ठीक है, क्योंकि अब मैं आप पहले तो 12th पे फोकस करता था, लेकिन अब 10th के भी जितने भी स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल टेंशन ना लो, आपके मार्क्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे कि आपके टर्म टू में अगर स्ट्रेटेजी जो आपको मैं क्वेश्चन पेपर भी दूंगा दोस्तों, बढ़िया बढ़िया, और वो क्वेश्चन पेपर ऐसे होंगे कि वो डायरेक्ट उसमें से क्वेश्चन आपके पेपर में लड़ेंगे, तो उसकी टेंशन ना लीजिए। मैं जैसे जैसे टाइम आता जाएगा मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता जाऊँगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी तो ये मैंने पूरा ओवरऑल स्ट्रेटजी बता दिया, एकदम रिलैक्स हो जाओ, टर्म वन के बारे में सोचना भी मत अब, क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है, वो टर्म टू में ही ऐड करके आएगा, उसके बाद से आपका पेपर होगा। तो ये है दोस्तों, आप फरवरी में अच्छे से मस्त इंजॉय करो, कोई बर्डन कोई प्रेशर मत लेना, बस जब भी टेंशन आए मुझे याद कर लेना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, नंबर भी डिस्क्रिप्शन में, अगर तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा आपको, ठीक है। बाकी ये सारे स्ट्रेटेजी है 1 मार्च से 7 25 अप्रैल। अब एक एक सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश हिंदी का तो कोई स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, लेकिन साइंस का, ठीक है, साइंस का, सोशल साइंस का और मैथ का, इन तीनों की प्रॉपर वीडियो, सेपरेट वीडियो स्ट्रेटेजी वाली, ठीक है, वो मैं अभी आपको कल परसों नरसों 3 दिन के अंदर आपको ये तीनों सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी वीडियो मिल जाएगी। पूरा तैयार रहो, ठीक है, सारी चीज़ें प्लान करके तैयार रहो, जैसे 1 मार्च आएगा झट से आपको बैठ जाना पढ़ने। ओके दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं, प्लीज़ 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 शेयर करना, लाइक मत करना, जो भी होता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, बच्चों तक। यार मैं चाहता हूँ यार, मैं आप सच में ना बहुत लकी हो कि ये मतलब आप मुझसे मिल गए हो, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि यार आप बहुत लकी हो कि आप मैं मतलब हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, क्योंकि देख लेना आज तक के आपके सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि वो चीज़ें हैं यार, वो चीज़ें जो हैं वो मेरे पास हैं, मैं आपको वो दे दूंगा, तो अगर आप कर लोगे तो मार्क्स क्यों नहीं आएंगे यार, प्यार से आएंगे, ठीक है। तो बस सब्सक्राइब कर लेना, कनेक्ट रहना मेरे से, कोई भी प्रॉब्लम होगी डिस्क्रिप्शन में उधर नंबर दिया है अबाउट सेक्शन में, वहाँ से ले लीजिएगा, या इंस्टा पे मैसेज कर लेना, कहीं भी तुरंत मुझसे बात कर लेना कोई भी प्रॉब्लम हो तो। बाकी मैं हमेशा आपके साथ हूँ बोर्ड के एग्जाम के दिन तक, ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों लव यू, बाय बाय।